नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो गई। इस फिल्म की रिलीज का लंबे वक्त से सभी को इंतजार था। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म को सुकुमार ने डायरेक्ट किया है। बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही इस फिल्म को मेकर्स ने करीब 200 से 250 करोड़ रुपए में बनाया है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा फिल्म के स्टार कास्ट ही ले उड़ी है। चलिए आपको बताते हैं कि इस फिल्म को बनाने के लिए स्टार कास्ट पर मेकर्स ने कुल कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं और किसे कितनी फीस मिली है। अल्लू अर्जुन। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने फिल्म में पुष्पराज का किरदार निभाया है। पहली बार वो एकदम अलग अवतार में नजर आए हैं। अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म के दोनों भागों के लिए 75 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल रिलीज हो सकता है। रश्मिका मंदाना। नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना को भी इस पैन इंडिया रिलीज फिल्म के लिए बड़ी रकम मिली है। सुनने में आया है कि एक्ट्रेस को पुष्पा के लिए 2.5 करोड़ की मोटी रकम दी गई है। बता दें कि फिल्म में रश्मिका ने एक मजदूर लड़की का किरदार निभाया और फिल्म में वो अल्लू अर्जुन के साथ रोमांस करती नजर आई। सामंथा। साउथ की टॉप एक्ट्रेस सामंथा ने इस फिल्म के लिए अच्छी खासी फीस ली है। पुष्पा में सिर्फ एक डांस नंबर के लिए सुपरस्टार सामंथा ने 1.5 करोड़ रुपए वसूले हैं। फहाद फासिल। फिल्म में मुख्य विलेन का किरदार निभा रहे मलयालम स्टार और नेशनल अवार्ड विनर एक्टर फहाद फासिल ने भी भारी भरकम रकम वसूली है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने इस फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। सुकुमार। फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार को भी मेकर्स ने फिल्म के लिए मोटी रकम दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डायरेक्टर सुकुमार को 25 करोड़ रुपए की फीस दी गई है। देवी श्री प्रसाद सिंह। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद सिंह एक फिल्म के लिए 3.5 करोड़ रुपए वसूलते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें पुष्पा के लिए भी मोटी रकम दी गई है। तो ये थी फिल्म पुष्पा से जुड़े लोगों की फीस। बताते चलें कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने रिलीज होते ही कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। फिल्म ने 2 दिन में ही वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।